ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे में अपना भरोसा कह सकी थे। हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट, ग्रीन पेवर्स, ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वाल, लाल ईटन से सस्ता, चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास। पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जो अपना काज सोचे माम मजबूर कह दी। जानी थी का खबर है, अंधविश्वास पर परिवार और गांव पर इतना बुरा असर पड़ा कि एक 7 साल के मासूम के बचपन का बर्बाद कह दिया। वह 7 साल के मासूम का बनाए दिंदा भगवान, इन्फेक्शन के कारण हुआ मासूम के सिर में है नारियल जैसा बाल। तविद क्षेत्र ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करिश्ती बारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी खबर के, जहां अपना पंचक बता दी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकन में जागरूकता की कमी के कारण अंधविश्वास अपन जड़ जो है मजबूत कह रहा है। धीरे धीरे यह अंधविश्वास इतना प्रबल हो जाते हैं कि एक जड़ जो है हिलाए नहीं हिलती है। ऐसे कुछ हाल जो है मध्य प्रदेश के विंध्य के शहडोल जिला के बुढ़ार जनपद के मुसरा गांव में रहने वाले एक अगरिया परिवार के हैं। मुसरा गांव के रहने वाली 7 वर्षीय मासूम इंद्रवती अगरिया के सिर और बाल में इन्फेक्शन संबंधी समस्या है, जिसके कारण मासूम के बाल रूखे और कड़े हुए से नारियल के जटा के समान हो गए। परिजन होकर इलाज करावे के बजाय अब भगवान शंकर के रूप माने लगे। पूरा गांव इंद्रवती का भोले के नाम से पुकारा लागे। वो सिर में जटा मुकुट ले स्कूलों जाती और पूरे गांव में घूमती। आदिवासी बाहुल्य शहडोल संभागीय मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर स्थित मुसरा गांव, जो जनपद पंचायत बुढ़ार क्षेत्र अंतर्गत आबत है, मुसरा गांव के रहने वाले अगरिया परिवार में उनकर एक 7 वर्षीय मासूम इंद्रवती अगरिया के सिर और बाल में इन्फेक्शन संबंधी समस्या है, जिसके कारण उनकर बाल रूखे रहा थे और कड़े हुए के नारियल के जटक समान हो गए। परिवार होकर इलाज करावे के बजाय अब भगवान शंकर के रूप पाने लागे। पूरा गांव इंद्रवती का भोले के नाम से पुकारा था। जब सिर माँ जटा मुकुट ले स्कूल जाती हैं तब पूरे गांव में घूमती है। ये तमाम लोग इंद्रवती का जटा मुकुट लय दिन भर देखे थे। केहू के द्वारा तंत्र माँ यह गंभीर बात का जिम्मेदार अपसरण तक नहीं पहुँचावागा। मैदानी अमला जो है इंद्रवती का भगवान शंकर के रूप मान के भोले भोले कहे लागे और अंधविश्वास के साक्षी बनाए के बैठ गए। जेकर शिकार जो है कक्षा 3 में पढ़े वाली इंद्रवती अगरिया हो चुकी है। इंद्रवती के दादी लीलावती अगरिया बतौती हैं कि हम जो है कई एक साल पहले मुड़न करावे के प्रयास करें, उसके बाद ठीक बाद इंद्रवती के पूरे सिर में बड़े फफोले आए गिरे। डॉक्टर के द्वारा इलाज किनगा अबू ठीक हो गई। ओके बाद सबके द्वारा कहा गया कि इंद्रवती का भगवान शंकर के सवारी आवत यह कारण से अब बाल नहीं कटावे के आए। ये कारण हम दोबारा उनकर बाल कटावे के प्रयास नहीं करें। एक तरफ महिला बाल विकास के तंत्रता, दूसर तरफ शिक्षा विभाग के, ये दोनों पहले ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और कर्मचारी ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। यदि इंद्रवती का समुचित इलाज दिन जा तका सिर माँ जटा मुकुट का उतारा जा सकत है, एक बाद वो सामान्य जीवन जी सकती है। यह गांव में अंधविश्वास के कुचक्र कुछ ऐसा चला कि गांव तो गांव सरकारी मशीनरी आपन जागरूक आंखन का व लाडली लक्ष्मी के दर्द नहीं दिख पाए रहे हैं, जेका सूबा के मुखिया आपन भांजी कहा थे। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ चल रही व मासूम के तस्वीरों अपना देखा तो जो महज 7 साल के कक्षा 3 में पढ़ती हैं, लेकिन उनके दर्द का को साझा नहीं करेस। मीडिया के द्वारा जब यह बात का उठावा गया तब प्रशासन हालांकि कुछ हरकत में आवा है, लेकिन वह हरकत नाकाफी है। अंधविश्वास की जड़ इतनी गहरी हो चुकी है कि ओका अब हिलाए पाउ संभव नहीं है। हालांकि आज के या दौर जो है चल रहा है वह 21वीं सदी की ओर हम कपचन का ले जा रहा है, लेकिन जब यह में तस्वीर सामने होती है गावन से, तब फिर सवाल खड़ा हो लागत है कि का हम बच्चे पढ़े लिखे एक व्यवस्थित एक जागरूक समाज में रह रहे हैं, या फिर वह
हम पचे आदिकाल के वह रूढ़िवादी वह अंधविश्वास मजिंदा रहे खातिर अपने आप का ढाल चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे थे कि हर भांजी हर बहनी हर भैया सब खातिर हम योजना बनाई थे, तब फिर कैसा छूट जाती हैं या मैं 7 वर्षीय मासूम काहे नहीं, या सरकारी मशीनरी सरकारी तंत्र यह में समस्या पर अपन जो है कुछ बेहतर काम करके दिखावे और एक सामान्य जिंदगी बनाए दे वह बिटिया के, काहे कि जौने में वह बिटिया के मुड़े में जीगर लदा है, अपना खुद कल्पना कर ली कि ओकर का होत हो कौ स्थिति हो, मगर वह बिचारी काहे तो काहे कैसे, अब तो वह भगवान बन चुकी है, भोले बन चुकी है, यह है अंधविश्वास के ऐसा तस्वीर जो वास्तव में हमका अपना का शर्मिंदा करे खातिर काफ़ी है। तो अपन अपने परिवार के रख बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004167 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम IVF क्लिनिक IVF मौच तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग।